जनाब जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें तमाम हमद सना उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरकत के नाम के जिसके कब्ज़ा कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और उनके असहाब पर। जनाब तीसरी माह रमज़ान मुबारक की इफ्तार नशरियात में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एक मरतबा फिर से। और आज भी इंशाल्लाह नशरियात उसी तरीके से जारी, लेकिन सबसे पहले ज़रा सी माजरत, क्योंकि जब हम लोग तर्जुमे के बाद गए तो कुछ तकनीकी ख़राबियों के बाइस, क्योंकि ज़ाहिर है ये सेटेलाइट टीवी का एक ज़रा अलग मामला होता है और जहाँ बात होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तो डिजिटल मीडिया का एक अलग ज़रा मार्का ही चल रहा होता है, ज़रा एक अलग ही माहौल चल रहा होता है। तो इसकी वजह से मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा माफ़ी भी चाहूँगा। ज़रा एक तकनीकी ख़राबी आई थी जिसकी वजह से हमने इस नशरियात को अब पार्ट टू के टाइटल के साथ आगाज़ किया। ये मामला चलते रहते हैं, ये आपने घबराना नहीं है, असल में हो गया तो मैं फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ, आइंदा बताऊँगा भी नहीं, ये होगा, ये देखें ये तो होगा, ये तो ऐसे तो कहानी बनेगी। लेकिन बहरहाल खुशी भी है, आगाज़ भी है, आप लोगों की मोहब्बतें भी हैं और इसी तरीके इंशाल्लाह ये नशरियात जारी रहेगी। कलाम आपकी खिदमत में भी मैं पेश करूँगा, कोशिश करूँगा पेश करने की और उम्मीद ये रखूँगा कि आपसे इंशाल्लाह आप लोग पसंद फरमाएंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह उसी अंदाज़ में नशरियात वही अपने सेगमेंट्स की तरफ आगे बढ़ेगी जिस अंदाज़ में रोज़ाना बढ़ती है, और फिर वक्त का तो पता ही नहीं चलता है कैसे इफ्तार का वक्त इंशाल्लाह हो जाता है करीब करीब। तो कोशिश करेंगे जब आप लोग पकौड़े बनाने बैठें और खाना शाना बनाने बैठें और तो साथ में या तो फ़ोन खोल लें, या अब तो हमारी ट्रांसमिशन स्मार्ट टीवीज़ के ऊपर भी आ रही है अगर आपके पास यूट्यूब ऑप्शन हो तो, है ना। तो लेकिन कलाम से पहले मैं कहना चाहूँगा बेटा, अगर ईको प्लीज़ थोड़ा सा दे दीजिएगा, मैं कलाम से पहले एक बात कहूँगा कि ये बात भी है आपकी आला सिफात में, ये बात भी है आपकी आला सिफात में, कौनों मकान की सैर करें भाई भाई एक रात में, और वो जब गए तो नब्ज तो आलम रुक गई, वो जब गए तो नब्ज तो आलम रुक गई, और वो आ गए तो जान पड़ी कायनात, आ गए तो जान पड़ी कायनात। क्या कहें शाही मदीना यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवारी, शाही मदीना जलते हैं सारे तेरे ही दम दम से, आबाद आला तेरे करम से, जलते हैं सारे तेरे ही दम दम से, आबाद आला तेरे करम से। शाही मदीना और बाकी हर शय नक्शे ख्याली, सारे नबी तेरे दर के सवारी। शाही मदीना तेरे लिए ही दुनिया बनी है, तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले पलक की चादर बनी है, तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले पलक की चादर तू अगर ना होता दुनिया क्या खाली, सारे नबी तेरे दर के सवारी। शाही मदीना तूने जहाँ की
शम्मा जलाई, तूने जहाँ की महफ़िल सजाई, तारीखियों में शम्मा जलाई, हर सिमत छाई है, हर सिमत छाई है, क्या क्या हर सिमत छाई, राधा चली सारे सारे नबी तेरे दर के सवारी, शाहे मदीना शाहे मदीना। और नबी का मजहब, हमारा जो मजहब है, सुने सुने सुने, मजहब है तेरा सबकी भलाई, मसलक है तेरा मुश्किल कुशाई, मजहब है तेरा सबकी भलाई, मसलक है तेरा मुश्किल कुशाई, देख के अपनी देख के उम्मत की खस्ताहाली, सारे नबी तेरे दर के सवारी, शाहे मदीना शाहे मदीना। है नूर तेरा शम्सो कमर में, है नूर तेरा शम्सो कमर में, तेरे लबों की लाली सर में, है नूर तेरा शम्सो कमर में, तेरे लबों की लाली सर में, फूलों ने तेरी फूलों ने तेरी फूलों ने तेरे दर के सवारी, शाहे मदीना शाहे मदीना। और है आप दुखियों के आका सहारे, ताज शफ़ात है सर पे तुम्हारे, है आप दुखियों के आका सहारे, ताज शफ़ात है सर पे तुम्हारे, हमको बताओ हमको बताओ, क्या क्या हमको बताओ, रोज़े की जारी सारे नबी तेरे दर के सवारी, शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना। और बस इसी के साथ वक्त पे जाएंगे, इंशाल्लाह आवाज हो चुका है कि को बेटा थोड़ा सा कम करना, हल्का सा हल्का सा, रहमतुल्लिल आलमीन। अब आप जरा सुने, काश चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, आए अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई, काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उसी दौर में लिखा होता, भाई काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उसी दौर में लिखा होता, बातें सुनता मैं कभी पूछता माई ने उनके, बातें सुनता मैं कभी पूछता माई ने उनके, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने اصحاب में बैठा हूं, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अस्हाब में बैठा होता, हर स्याह रात में रोशन है हदीसें उनकी, आप ना हो आप ना आते तो जमाने में अंधेरा होता, आप ना आते तो जमाने में अंधेरा होता। एक वक्फे के बाद इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं।